सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। ब्रज मंडल के दो प्रमुख शहर मथुरा और वृंदावन, एक भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली और दूसरी वह जगह है जहां किशोरावस्था में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। वृंदावन सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाओं ही नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम व रास लीलाओं के लिए भी भक्तों में काफी लोकप्रिय है। पूरे साल मथुरा और वृंदावन में हजारों भक्त श्री कृष्ण व राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। वृंदावन के रहस्यमयी निधिवन के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है वृंदावन में कई और भी मंदिर है जहां घटने वाली घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है या ये कोई अलौकिक घटनाएं हैं, इसकी व्याख्या दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वृंदावन के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, जिसमें है पहला रंग महल। वृंदावन का रंग महल ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा हर रोज आते हैं। यह मंदिर काफी रहस्यमयी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दरवाजे रात के समय खुद बंद हुआ सुबह फिर से खुद ही खुल जाते हैं। मंदिर के अंदर पुजारी हर रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए बिस्तर लगाते हैं। मंदिर में माखन मिश्री का भोग और राधा रानी के श्रृंगार का सामान रखते हैं। सुबह के समय जब मंदिर का द्वार खुलता है तो बिस्तर पर ऐसी सलावटें पाई जाती हैं मानो रात में भगवान ने यहाँ विश्राम किया हो। माखन मिश्री का भोग खाया हुआ मिलता है और देवी राधा रानी के श्रृंगार का सामान भी अस्त व्यस्त रहता है। मानता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रास रचाने के लिए आते हैं। मंदिर में अगर कोई छिपकर रासलीला देखने का प्रयास करता है तो वह पागल हो जाता है, लेकिन यहाँ कौन ऐसा करता है, इस रहस्य में अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं दूसरा वृंदावन का तुलसी वन। वृंदा यानी तुलसी, इसलिए वृंदावन का शाब्दिक अर्थ तुलसी का वन होता है। कहा जाता है कि वृंदावन में तुलसी के दो पौधे लगाए गए थे जिनसे वहाँ वन उत्पन्न हो गया। मान्यता है कि यहाँ तुलसी के पौधे रात के समय गोपियाँ बन जाती हैं जो श्री राधा व कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। कहा जाता है कि इन पौधे में तुलसी का एक पत्ता भी साथ में लेकर नहीं जा सकते। अगर ऐसा किसी ने करने का प्रयास किया तो वह बाहरी विपत्ति में फंस सकता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे वृंदावन क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि तुलसी के कुल 16,108 बड़े बड़े पेड़ हैं, जितनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी। तीसरा है निधिवन के पेड़। निधिवन की रहस्यमयी घटनाओं के साथ साथ निधिवन के पेड़ भी अपने आप में रहस्यमयी छिपाए हुए हैं। इस वन में उगने वाले पेड़ों की शाखाएं ऊपर की तरफ न बढ़कर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ आम पेड़ों की तरह शाखाएं ऊपर की तरफ नहीं बल्कि अपनी जड़ों की तरफ बढ़ती हैं। इस वजह से निधिवन के पेड़ों की ऊंचाई काफी कम होती है। सभी पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में गुथकर अजीब सा आकार बनाती हैं, जो निधिवन को और भी रहस्यमयी बना देता है। मान्यता के अनुसार निधिवन में रात के समय श्री कृष्ण देवी राधा समेत अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचाते हैं। कहा जाता है कि आसपास रहने वाले लोगों को कई बार निधिवन से घुंघरुओं के छनकने की आवाज भी सुनाई देती है। निधिवन के पास रहने वाली एक महिला ने तो यह तक दावा किया कि उन्हें अपने घर के पीछे निधिवन के पास एक टूटा हुआ घुंघरू भी मिला है। वहीं आसपास के घरों में बंद कर देते हैं खिड़कियां। जी हां, शाम के समय निधिवन धार्मिक स्थान होने के बावजूद यहां डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि घुंघरुओं की आवाज सुनने के बावजूद कोई भी श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों की रासलीला देखने की हिम्मत नहीं करता। निधिवन के दरवाजों को शाम के समय 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगर किसी ने निधिवन में झांकने की कोशिश की तो या तो वह पागल हो जाता है या फिर तुरंत अंधा बन जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि निधिवन के दरवाजे बंद हो जाने के बाद पशु पक्षी तक निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। बंदर पक्षियां भी यहां नहीं रहते। आसपास रहने वाले लोग शाम के बाद निधिवन की तरफ खुलने वाली खिड़कियां तक बंद कर देते हैं ताकि गलती से भी कोई उस तरफ देख न ले। खबरी चौखट की रिपोर्ट।